ग्रेटर नोएडा में योगी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होने पर दादरी विधायक तेजपाल नागर और जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान तेजपाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास की राह पर चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है। वहीं इसके साथ धीरेंद्र सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी के आभारी हैं जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में जेवर को चुना। ग्रेटर नोएडा से संवाददाता राजेश गौतम की रिपोर्ट। 4.5 साल में माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश विकास की तरफ चला है। इस प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हुआ। बैठे ग्रेटर नोएडा में, यहाँ जब उद्योग आते थे तो बहुत सारे उद्योग यहाँ से पलायन कर गए, कानून का राज आया है। मैं आज आपसे 4.5 साल की उपलब्धि में जो माननीय योगी जी का नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में हम जैसे छोटे से लोग काम कर रहे हैं और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में जो उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसमें विकास की गति में दादरी विधानसभा भी अग्रणी मांग होगी, लेकिन ये 22 तारीख मांग करेगा। पहले माननीय मुख्यमंत्री अपने शब्दों से कहेंगे हमारा पहले कहना ठीक नहीं है, वो मांग होगी और माननीय 22 तारीख मांग होगा। विधायक जी, आपने ये कहा था कि जो ग्रेटर नोएडा नोएडा के जो लोग हैं वो दादरी आसानी से पहुंच जाते हैं क्योंकि बाईपास बन गया और उधर जो है वो पुल भी बन गया, लेकिन दादरी में जो सबसे बड़ी अहम समस्या है वो है जाम की, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो पार्किंग है पिछले 4.5 सालों में क्या उसकी आपके द्वारा प्रयास किए गए कि दादरी में पार्किंग बने, क्योंकि आए दिन जो सड़कों पर वाहन खड़े होते हैं उनके चालान हो जाते हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं जो सेक्टरों से यहाँ पहुँचते हैं दादरी वो परेशान होते हैं। देखिए दादरी में जो पार्किंग सही है क्योंकि वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ पार्किंग है क्योंकि वहाँ अंदर कोई जमीन नहीं जिसमें पार्किंग की जा सके, अंदर वहाँ एक जमीन है जो जनता इंटर कॉलेज दादरी, जनता इंटर कॉलेज दादरी में वहाँ की बहन बहन उस विद्यालय में चलाना नहीं चाहते, वहाँ एक चपरासी और बच्चों से भी आपको मतलब इंटर कॉलेज है, एक तो मेरी इंसान की कॉलेज चल रही है और मैं प्रयास भी कर रहा हूँ कि कॉलेज चल रही है। मैंने वहाँ की कभी मैनेजमेंट का स्कूल अप्लाई किया पूरी कहा है और वो जो पढ़ाव की जमीन है मेंटरिंग है पढ़ाव है जनता स्कूल में और मेन वो इसलिए जमीन दी ये इसलिए जमीन दी क्योंकि स्कूल अगर वो स्कूल नहीं चलाएंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर स्कूल नहीं चला कि नहीं चला पाई वहाँ की मैनेजमेंट तो नहीं चला पाई क्योंकि राज्य सरकारी स्कूल नहीं है परिवर्तित कर देगा बेरोजगारी का हमारे क्षेत्र में, क्योंकि जमीन जाने के बाद में जो खेतीहर मजदूर होते हैं उनके घर में महिलाएं होती हैं, जमीन चली जाएगी तो वो काम कहाँ करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए अप्रैल पार्क में जो रोजगार मिलेगा वो 70% महिलाओं को रोजगार मिलेगा क्योंकि उनसे संबंधित वस्त्र जो उद्योग है हमारा, और हमारा प्रयास होगा कि जेवर क्षेत्र में बने हुए वस्त्र दुनिया में मशहूर हों। ट्रेडिशन है उसका लगभग 70% निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ये जो हमने वायदा किया था नौजवानों के लिए कि औद्योगिक गतिविधियां वहाँ पढ़ाई जाएंगी जिससे भविष्य में नौजवानों के भविष्य को भी हम सुरक्षित कर सकें, 4 साल 6 महीने कोई ज्यादा समय नहीं होता है। सरकार बनते ही विधानमंडल दल की पहली बैठक में हमने इस चीज का सूत्रपात किया और मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जेवर को पसंद किया और बहुत सारी योजनाएं हम जो भी योजनाएं आती है विधायक के तौर पर मेरी नजर रहती है, मैं आर्गुमेंट करता हूं उसके लिए और प्रयास रहता है क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हम सड़क मार्ग से रेल मार्ग से, और सबसे बड़ा जो अच्छा संदेश गया उसके लिए मैं पुनः किसानों का धन्यवाद करना चाहूंगा।